हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको दिखाऊंगा कोलक का वाटरफॉल जो बिहार में है। तो अभी 12 बजने को है और हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए। तो मुझे आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लगेगा और मेरे साथ मेरा दोस्त रंजन। हाई बोल रहे हैं, हाई। हम लोग जा रहे हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जो भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है टकोला जाने वाले रास्ता और ये आपको नवादा को। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ से हम लोगों को लगभग आधा घंटे के आसपास और लगेगा। आधा घंटा नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा? 20 मिनट। बस 20 मिनट में पहुंच रहे हैं हम लोग, उसके बाद दिखाते हैं सारा चीज़ आपको। और काफ़ी भीड़ है, बहुत सारा गाड़ियाँ हमें दिख रही है। अब जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, मतलब पहुँच ही गए हैं। तो गाइस, रास्ते में आपको ये फाटक टाइप का मिलेगा, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, पुलिस लोग भी रहते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है नेचर का वाइब। यहाँ पे भी देखो गाड़ियाँ पार्क हो रही है, मतलब फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये देखो आप लोग, और भी कई सारे लोग हैं आगे, जो बहुत सारा आपको भीड़ दिख रहा होगा। और ये हमेशा ही रहता है यहाँ पे। तो गाइस, आपको बाइक पार्क करने के लिए इतना सारा बाइक्स लगे हैं यहाँ पे। तो बाइक का पार्क करने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना होता है, उसके बाद यहाँ पे लगाइएगा आप, उसके बाद आप जाओगे अंदर के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अंदर। और फाइनली पहुँच चुके हैं, काफ़ी मतलब 15-20 मिनट ट्रैफिक जैम में फंसे रहे हैं इतना ज़्यादा धूप में। खैर कोई नहीं, करने के बाद आपको कुछ देर पैदल चलना होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ककोलर जलप्रपात एक तारा। तो यहाँ और भी सारी डिटेल्स दी हुई है बुक पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। और इधर खाने के लिए बहुत सारा होटल्स भी दिख रही होगी आपको। भीड़ तो आप देख ही रहे हो, क्राउड काफ़ी है यार। और आपको दोनों साइड ही होटल्स दिखेगी जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। आई होप कि मेरा आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। वैसे क्राउड ज़्यादा है, हल्ला ज़्यादा हो रहा होगा, तो हो सकता है कि आवाज़ ना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। यहाँ से आपको सीढ़ी भी मिलेगा और इधर से लोग, बस अभी 2 मिनट और चलना होगा हम लोग को, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड सीढ़ी है, चल पाओगे आप आसानी से। वेरी बिग क्राउड यार। सो गाइस, फाइनली हुआ है फर्स्ट लुक, आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो काफ़ी हम लोग 2 मिनट के आसपास सीढ़ी चढ़ने के बाद हमको ये सब नज़ारा दिख रहा है। एंड आपको वहाँ दिख रहा होगा जो झरना पानी गिर रही है, वहाँ पे हमारा लक्ष्य है, वहाँ जाना है। तो यहाँ से आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे लगा दी गई है ताकि लोग उधर कुछ चले ना जाएं। अच्छा, चले जाएंगे तो ऊपर भी चले जाएंगे। देख रहे हो कितना खाई इधर। तो फाइनली कुछ समय में हम लोग, और यहाँ फोटोज वगैरह भी मिलती है इसकी, देख सकते हो। तो ये है फाइनली, और इधर का सीन है भाई खतरनाक हुआ। वाओ, तो ये है फाइनली ककोला जलप्रपात। ओ भाई साहब, इतनी भीड़, इतनी सारी भीड़।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरा, इतना सारा क्राउड पहली बार मैंने देखा यहाँ पे। वैसे मैं कई बार आया हूँ लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देखा। रंजन, हेलो हेलो रंजन, क्या हाल है भीड़ देखकर? फर्स्ट टाइम इतना भीड़ देखी ना, फर्स्ट टाइम इतना भीड़ देखी। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, चारों तरफ लोग ही दिख रहे हैं। तो ये है गाइस यहाँ का नज़ारा है, ये है यहाँ का, जो लोग गर्मियों में पूरा मजा करने के लिए यहाँ आते हैं, लगता नहीं यहाँ पे नहा पाऊंगा, पर ट्राई करूंगा, देखता हूँ। उधर उसके उस साइड जो होगी महिलाएं ना आएंगी, और उस साइड होंगी होंगे जो मतलब पुरुष जितने भी है वो लोग ना आएंगे। तो बीच में अरे कहना क्या चाहते हो, दे दिए गए इसलिए, तो इधर उधर महिलाएं के लिए, इधर पुरुष के लिए। भाई नहाना मुश्किल है यार, मतलब कहाँ जाओगे आप, किस प्रकार नहाओगे आगे बताओ, कहाँ पे नहा पाओगे? लेकिन देखता हूँ, हो सकता है। यहाँ पे लिखा है साबुन सैंपल लगाना मना, अच्छा हुआ हम लोगों ने नहीं लिया कुछ, और वैसा लग रहा है नहा भी नहीं पाएंगे। देखते हैं जो भी है। तो भाई फाइनली रंजन चला गया नहाने के लिए, अब मेरी बारी है। एक्चुअली मैं भी कपड़ा खोल चुका हूँ लेकिन दिखाऊंगा नहीं। भगवान जो दिख रहे हैं, यहाँ पे शादियाँ भी होती है, लोग बहुत लोग यहाँ पे शादी भी करने आते हैं। वैसे कुछ कुछ है वहाँ पर, और यहाँ से जा रहा हूँ और उधर की ओर सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। चलो लोग ही नीचे ही जा रहे हैं। मैं काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे, और जिसे आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरा इंस्टा आईडी लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, वैसे बता भी देता हूँ इंस्टा आईडी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये है सुधीर बाबू 640, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहुत सारा भीड़ इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ का प्रकृति सुंदर है, यहाँ का वाइब जो आता है नेचर का वो बहुत ही खतरनाक है, नेचर होता है। सो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को, कई बार आया हूँ लेकिन आज आप लोग शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़्यादा ही बढ़ा चला कर बोलिए।
जब कुछ खाते हैं कहीं पे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो पहले ढूंढते हैं, कुछ भूख काफ़ी लग गया है, तो खाते हैं कुछ, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। वो भी चीज़ें आपको दिखा। यहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो खाया नहीं। बस टिकट दिखाओ और अपना बाइक लो, तो बाइक लेकर जाएंगे अब उधर, उधर ही कुछ खाएंगे। वैसे ठीक है, कुछ भी थोड़ा बहुत खाया हमने, और जो भी है सारा उधर कुछ करेंगे। तो फाइनली गाड़ी बैठ चुका हूँ और जाने के बाद में अब बाय बोल रहा हूँ रसगुल्ला वाटरफॉल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जो भी है आगे बात करता हूँ आपसे, थोड़ा यहाँ से निकलता हूँ। फिलहाल तो अभी बाय बोल रहे हैं। तो भाई 4 बज चुके हैं, फिर भी कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग यहीं पर, कई सारा गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत सारी। ये आपका फाटक, तो फाटक से भी पार हो चुका हूँ, अब फाइनली घर जाने के लिए तैयार। सो फाइनली गाइस, अब घर जा रहा हूँ, और आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जितना सारा हो सका मैं आपसे सीन शेयर किया, बहुत सारा मस्ती करने हमने, और आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, अरे यार यार, एंड चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता।